नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का सबसे अलग प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जी हाँ, समाज कितना सशक्त है ये निर्भर करता है इस पर कि उसमें महिलाओं की भूमिका कितनी है। महिलाएं जिन्हें बहुत देखा जाए तो आज की डेट में उन्हें लेकर ये कहा जाता है कि महिलाएं आज के समय में हर किसी को बराबर की टक्कर देती हैं। जी हाँ, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पुरुष में किसी का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का, एजुकेशन का, खेल का, दुनिया का, समाज का या किसी और भी जगत का, हर जगह पर महिलाएं अब पुरुषों को इक्वल टक्कर देने में बराबरी करती हैं। लेकिन मेरे लिए ये कहना होगा कि अब महिलाएं पुरुष को टक्कर तो दी ही दी हैं, अब उनसे आगे भी निकल चुकी हैं। इसी तरह की कहानी मैं आप लोगों के लिए, इसी तरह की एक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार की एक महिला की। बिहार की ऐसी महिला, या यूं कह लीजिए दबंग महिला। वैसे तो भाई बिहार दबंग लोगों के लिए बहुत फेमस है, चाहे लालू प्रसाद जी को लेकर कहिए, पप्पू यादव जी को लेकर कहिए, या फिर शहाबुद्दीन जैसे दबंग या बाहुबली नेता या राजनेता को लेकर कहिए। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक ऐसी मुखिया जो महिला मुखिया है, लेकिन भाई वो अपने कमर में कमरबंद नहीं बल्कि बंदूक लेकर घूमती हैं। आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आप सभी लोगों को बिहार के एक ऐसी जगह की ऐसी मुखिया के बारे में बताने वाले हैं जो है तो महिला, लेकिन अपने जगह को, अपने जो उनका मुखिया का जिला जो है, उनका उस चीज़ को, वहाँ जगह को बचाने के लिए और गलत चीज़ों से उसे मुक्त करने के लिए वो देखा जाए तो दबंगई तरह अपने दबंग अंदाज में हमेशा रहती हैं। और जहाँ तक आप लोगों ने अभी तक महिलाओं के कमर में कमरबंद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर अब वो महिला कमरबंद की जगह बंदूक के पट्टे लगा कर घूमती है, बंदूक लगा रख कर घूमती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं आप लोगों को महिला, जो हमारी दबंग महिला है, उनसे जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। देखिए हमारी रिपोर्ट। वैसे तो आप लोगों ने बिहार के राज्य में कई ऐसे दबंग राजनेता या अभिनेता के बारे में सुना होगा जिनके नाम से शायद वहां की जनता कांपती है, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी महिला मुखिया से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने दबंगई का एक नया अनोखा, कह सकते हैं एक रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। जी हाँ, आपने फिल्मों में रिवॉल्वर रानी तो देखी होगी, लेकिन आज आपको असल जिंदगी की एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग रियल लाइफ की रिवॉल्वर रानी कहते हैं। ये महिला कोई लेडी डॉन नहीं, और महिला ना ही पिस्टल किसी को डराने धमकाने के लिए रखती है। जी हाँ, पटना जिला के गोनपुर पंचायत की मुखिया अभा देवी के काम और उनकी पहचान को देखकर रबर स्टैंप वाली मुखिया वाली छवि गायब हो जाती है। जी हाँ, वे असल मुखिया है, दबंग भी है, वो अपने फैसलों को लागू रखने में सक्षम है, कोई उन्हें हल्के में ना ले इसके लिए वह रिवॉल्वर भी रखती है। गोनपुर पंचायत की मुखिया, जी हाँ, दबंग मुखिया आभा देवी की पहचान रिवॉल्वर वाली मुखिया के रूप में माना गया है, जो देखने में तो साधारण कदकाठी की है और इंटर पास है। आभा देवी का नाम केवल गोनपुर पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज के पंचायतों में भी जाना जाता है। पंचायत के विकास के दौरान जोखिम भरे मामलों से निपटने के लिए वे अक्सर रिवॉल्वर अपने पास रखती हैं। आपको बता दें, साल 2011 में पहली बार वो मुखिया बनने पर शुरुआती दिनों में पति राम अयोध्या शर्मा ने मदद की। बाद में एहसास हुआ कि लोगों ने मुझे मुखिया चुना है तो उसका फर्ज भी मैं निभाऊंगी, और धीरे धीरे पंचायत के विकास और सुरक्षा की कामना हेतु उन्होंने अपने पास ऐसी चीजें रखनी शुरू कर दी। आपको बता दें, साल 2014 में मुखिया आभा देवी पर जानलेवा हमला भी हुआ जिससे वह डरी सहमी नहीं। जी हाँ, पहले तो डीएम से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पिस्टल के लाइसेंस की मांग की। साल 2016 में उन्हें हथियार रखने का लाइसेंस भी मिल गया और अब वो इस पिस्टल का उपयोग समाज की सुरक्षा और विकास के लिए करती है। गांव की बिटिया अपनी दिलेरी से खुश सभी को खुश रखती हैं। खुले में शौच मुक्त पंचायत हो या फिर राशन दुकानों की गड़बड़ी, नाली गली की निर्माण हो या फिर बेटियों के लिए स्कूल कॉलेज की सुविधा, सभी चीजों को लेकर उसकी जद्दोजहद हमेशा दिखती है। पंचायत में बेटियों की मैट्रिक के बाद इंटर तक की पढ़ाई के लिए कॉलेज खुलवाने से लेकर आंगनबाड़ी भवन एवं पंचायत और समुदाय भवन तक बनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इस सारे कार्य को करने के दौरान धमकियां भी मिली, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं करी। साल 2016 में दूसरी बार मुखिया के पद पर चुने जाने के बाद वह लाइसेंस रिवॉल्वर रखकर काम कर रही है।
इसके बाद आपको बता दें कि कौशल विकास योजना के तहत गांव की किशोरीय महिला का ग्रुप बनाया गया है, जी हां, जो कि अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण देता है। पहले आभा ने लड़कियों को जागरूक किया, उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाई, कई लड़कियां महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखा रही है। इसके लिए सरकार से लेकर एनजीओ तक का सहयोग दिया। दो बहनों की युगल बंदी आभा रानी अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए वह अब सब कुछ कर रही है जो विकास के लिए जरूरी है। 8 वर्ष से मुखिया के पद पर काम करने के बाद उन्होंने पंचायत में उन्होंने बदलाव का प्रतीक माना जाता है। आभा अकेली ही नहीं, उनकी सगी बहन अर्चना भी बिहटा प्रखंड के गोठना पंचायत समिति के सदस्य के रूप में काम कर रही है। और बता दें कि उनके पिता एक किसान है और 1992 में भी उनकी शादी फुलवारी प्रखंड के गोंदपुर पंचायत के भवनपुर गांव में हुई थी। शादी के समय वह इंटर पास थी, पढ़ना चाहती थी, इसलिए बीए में नामकरण भी करवाया था, यानी एडमिशन भी लिया, पर घर परिवार की जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और महिलाओं के लिए वो कुछ करना चाहती थी। नेक्स्ट नाइन। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, हमारे बिहार की उस महिला से जुड़ी वो बातें, वो जानकारियाँ, जिसे देख कर शायद आज आप लोग प्राउड ज़रूर फील कर रहे होंगे। और देखा जाए तो अभी तक बिहार में जितने भी दबंग लोगों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं या खबरें आई हैं, उन पर ज़्यादातर आपराधिक चीज़ें दर्ज हैं और वो समाज को ठीक करते हैं, करना या नहीं करना तो बात की बात है, लेकिन वो खुद मतलब ही होते हैं, ये बात तो पक्की थी। लेकिन जिस महिला की हमने आज आप लोगों के बीच बात की, वो बिल्कुल भी, वो जो कुछ भी कर रही हैं अपने अपने गांव के लिए, अपने जगह के लिए कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए, हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए ये गर्व की बात है। और इस तरह से अगर जो महिलाएं अब अपने आप में ही सशक्तिकरण, अपने आप में ही एक मिसाल बन जाए, अपने आप की ही वो शक्ति बन जाए, तो मुझे नहीं लगता जो चीज़ें आजकल महिलाओं को लेकर ज़्यादातर हो रही है, मैं समझ गए होंगे आप लोग कि मैं इशारा किस ओर कर रही हूँ, शायद वो फिर किसी को करने की हिम्मत पड़े। खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, मैं प्रियंका राज लेती हूँ इजाज़त, लेकिन हाँ, आप ऐसे ही हमारे भोजपुरी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम आप लोगों को भोजपुरी मनोरंजन जगत के साथ जुड़ी खबरें तो बताएं ही, लेकिन इस तरीके की अनोखी और दिलचस्प कहानियाँ भी आप लोगों के बीच लेकर आए। फिलहाल दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।